So yesterday we started with some of the ions, where the ions they were having the positive and the negatively charged pairs. ठीक है. Last जो मैंने आपको करवाया था that was sulfate and ठीक है. Sulfate का formula आपको पता है that is SO4. जब आपने उसमें से एक ऑक्सीजन कम कर देना है तो वो बन जाएगा. जब सारे के सारे ऑक्सीजन हटा दिए, ठीक है, आपने एक आइट, ठीक है, जैसे सल्फेट है वैसे ही आपके आ जाते हैं तीन नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, ठीक है. This is nitrate. This is nitrite. वही चीज हो गई. Ai. ठीक है. अब थर्ड हम लिखेंगे कौन सा होगा. Nitride. सेम है ये देखो. इसमें एक ऑक्सीजन आपने कम किया तो सल्फाइट बन गया. इसमें भी एक ऑक्सीजन मैंने कम किया तो नाइट्राइड. नाइट्राइड जो है वो थोड़ा अलग है. ऑक्सीजन सारे हटा देने हैं. जो आपका चार्ज वन है उसको थ्री कर देना है बस. बाकी सारा सेम. सल्फेट सल्फाइड सल्फाइड सेम है. नाइट्रेट नाइट्राइड नाइट्राइड. यहां पर आपका तीन ऑक्सीजन लगे हुए हैं. तीन से हमने दो से रिमूव कर देने हैं. बाकी सारा सेम था ऊपर. बट यहां पर आपने चार्ज जो है वो वन से क्या कर देना है थ्री कर देना. थ्री नेगेटिव. ठीक है. क्लियर है. याद रहेगा. इसके बाद आता है एक कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव. दैट इज कार्बोनेट आयन. CO3 कितना चार्ज है. OH नेगेटिव. दिस इज हाइड्रोक्साइड. क्या कहते हैं इसको. हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट इज NH4 ऊपर पॉजिटिव. अमोनियम क्या है. अमोनियम. हाँ इनके नाम बदल जाते हैं. जैसे क्लोरीन से क्लोराइड हो गया. ऑक्सीजन से ऑक्साइड हो गया. अमोनिया NH3 होता है. NH4 के ऊपर पॉजिटिव लगा दो अमोनियम बन जाएगा. ठीक है. एक लास्ट रह गया वो भी लिख लो. जैसे ये आपने कार्बोनेट बनाया है वैसे ही अगर मैं यहाँ पर एक H लगा के बाकी CO3 नेगेटिव लगा दो. क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है. पॉजिटिव. इसका एक पॉजिटिव और इसका टू नेगेटिव. हाइड्रोजन का एक पॉजिटिव और इसका टू नेगेटिव. क्या रह जाएगा. वन नेगेटिव रह जाएगा ना. तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी अब. वन. बता देखो मैंने कार्बोनेट से इससे मैंने इसमें शिफ्ट होना है. इससे मैंने इसमें शिफ्ट होना है. चार्ज आपने मुझे बताना है. हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है. हाइड्रोजन बोला मैंने. हाइड्राइड नहीं बोला. पॉजिटिव होता है ना. तो यानी कि जब मैं इसको लगाऊंगी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. CO3 2 नेगेटिव के ऊपर अपना चार्ज कौन सा है. वन पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव. ओवरऑल कितना बना. तो जब ये दोनों आप कंबाइन कर दोगे तो ओवरऑल चार्ज कितना रह जाएगा. बस हाँ जी. वेरी गुड. दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट. कार्बोनेट के साथ जब आपने हाइड्रोजन लगा दी तो एक तो हाइड्रोजन और दूसरा कार्बोनेट. कार्बोनेट
हाँ जी कार्बोनेट को कार्बोनेट ही कहना है, जब हाइड्रोजन लगा दोगे फिर वो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। द लास्ट वन इज पी ओ फोर थ्री नेगेटिव, दिस इज फॉस्फेट आयन, दिस इज फॉस्फेट आयन, पी ओ फोर थ्री नेगेटिव, क्लियर हो गया। अब आपने ये आयन्स जो है वो लर्न करने हैं सारे, ठीक है। सल्फेट सल्फाइट सल्फाइड, नाइट्रेट नाइट्राइट नाइट्राइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉस्फेट हाइड्रोजन हाइड्राइड, क्लोराइड फ्लोराइड, ब्रोमाइड आयोडाइड ऑक्साइड, ठीक है। आयरन के बताए हैं मैंने आपको, कॉपर के बताए हैं, जिंक हो गया, बाकी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सारे ही करने। ओके, एनी डाउट टू यू? ठीक है, क्लियर है, वो मैं बताती हूँ क्वेश्चन, ठीक है, वो हम जो आपका एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आना वो करेंगे। अब यहाँ तक क्लियर है सारा? अब उसके लिए आपको नेक्स्ट टाइम ये सारी चीजें लर्न होनी चाहिए, दे शुड बी ऑन योर टिप्स, ओके, दे शुड बी ऑन योर टिप्स नाउ। बच्चन सीधे बैठो, अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है इनका। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज केमिकल फॉर्मूला, और क्वेश्चन आएगा ही पेपर में केमिकल फॉर्मूला का, क्योंकि ये सारा हमने जो सारा कुछ चार्ट में पढ़ा है वो सारी चीजें इसके लिए पढ़ी, ठीक है। तो कितना कुछ हम पढ़ के आए हैं, तो इमेजिन ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए हम इतना सारा घूम फिर के फिर इसके ऊपर आए हैं, ओके। तो केमिकल फॉर्मूलाज, जो आपको फॉर्मूलाज हम लिखवाते हैं, दे आर एक्चुअली योर केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोडियम क्लोराइड, ये सारे जब आप सुनते हो सॉल्ट्स के नेम, तो दे आर एक्चुअली द नेम्स ऑफ द सॉल्ट्स। अब उनके केमिकल फॉर्मूलाज क्या है, जैसे मैंने आपको कह दिया जिंक सल्फेट, अब आपको पता है जिंक सल्फेट इज ZnSO4, यू नो दैट, बट ये आया कहां से? Zn2SO4 क्यों नहीं है जिंक सल्फेट? Zn3SO4 ट्वाइस क्यों नहीं है जिंक सल्फेट? ठीक है, हमेशा ZnSO4 ही क्यों है? अगर मैं कोई और चेंज करके लिख देती हूँ तो फिर वो गलत क्यों है? ओके, सो दिस इज एक्चुअली द केमिकल फॉर्मूला, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट द जिंक सल्फेट, लेट्स फॉर्म द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट। लिखने का यही मेथड है, सिंस योर पेपर इज सब्जेक्टिव नाउ, तो वे जो है वो यही ऑप्ट करना है, क्योंकि मुझे पता है आपको फॉर्मूलाज आते हैं, बच्चे जो है वो डायरेक्टली लिख देते हैं, बट अगर हम आपको प्रॉपर वे से करवा रहे हैं देन वी आर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग ऑल्सो कि आप उसी प्रॉपर वे से फॉर्मूलाज को डिराइव करो, ठीक है। अब जो चीजें आपको मेंशन है आपने सबसे पहले वो लिखनी है इंडिविजुअली, मेरे सॉल्ट में एक क्या है और दूसरी चीज क्या है, सल्फेट है, तो जिंक को अलग लिख लेते हैं, सल्फेट को अलग लिख लेते हैं, ओके। द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू राइट देयर सिंबल्स, हम क्या लिखेंगे इनके, इसका ZN है और इसका सिंबल्स लिखने हैं बस, ओके। द नेक्स्ट थिंग वी विल बी राइटिंग देयर, क्या लिखेंगे, बंद कर दो बेटा, क्या लिखेंगे नेक्स्ट इनकी, वैलेंसी। अब वैलेंसी इज जस्ट अ, वो कहते चार्ज तो लिखना ही नहीं हमने, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे। जिंक के ऊपर कौन सा नंबर है, सल्फेट के ऊपर कौन सा नंबर है, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लिसन बोर्ड पे देखो, जिंक से एक एरो निकालनी है सल्फेट के नंबर तक लेके जाने, क्या किया मैंने, जिंक से एक एरो निकाल ली और वो सल्फेट तक ले गया। सिमिलरली सल्फेट से एक एरो निकालनी है, वो कहां तक लेके जानी है, जिंक की वैलेंसी तक। हो गया यहां तक, क्लियर है?
अब हम लिखेंगे सिंबल्स दोनों के, वी विल बी राइटिंग द सिंबल्स ऑफ बोथ। ये जिंक लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सल्फेट, लिख दिया। अब जिंक के पास सल्फेट वाला जो नंबर आया है वो कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उसके पैर में बिल्कुल। सल्फेट के पास जिंक का कौन सा नंबर आया, अभी मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगी क्योंकि दोनों नंबर्स को मैं साथ साथ में तो लिख नहीं सकती, बताओ 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा ना, इसलिए मैंने सेपरेट करने के लिए एक ब्रैकेट डाल दी। अब देखो आपके पास कुछ सॉल्ट्स ऐसे आएंगे जिनमें आपको कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे 2 यहाँ पर है, आपको फॉर्मूला पता है जिंक सल्फेट का ZnSO4 है, तो ये मुझे Zn2SO42 क्यों दे रहा फिर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में जो 2 है उसको मैंने क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना। जब मैं 2 को कॉमन ले लूंगी यहाँ पर बाहर, तो आई एम लेफ्ट विद Zn SO, फिर आपने इस 2 को भूल जाना कि आपने कोई 2 बाहर निकाला भी है, ठीक है। हमने 2 को भूल जाना है कि हमने कोई 2 बाहर निकाला है, वी आर लेफ्ट विद ओनली, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक। क्लियर हुआ, ठीक है। ये वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला पहले स्टार्ट हो गया, अब मैं सिंपल सिंपल से करवाऊंगी आपको, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस हमने कॉमन ही निकाला लास्ट में, दैट्स इट। हाँ ये लिख लो, हाँ ऐसे ही फॉर्मूलाज डिराइव हुए हैं और पेपर में भी आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब आपको पेपर में पूछा है जिंक सल्फेट 2, आप भूल जाओ कहाँ कट करना है 2, आपने बस ये अज्यूम करना है कि इसका 2 और इसका 2 दोनों बाहर आ गए हैं, कॉमन ले लिए, और वो 2 पता नहीं कब कहाँ पर है, ठीक है। मैंने बोला ना आपने वो भूल जाना है, भूल जाओ बस उसको, भूल जाओ कि वो कहाँ गया, बस आपने निकाल दिया बाहर। Is that clear? अब बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं, राइट डाउन। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। बस हेवन आ जाओ, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, क्लोरीन, क्लोराइड। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से दिमाग में आपके क्या आता है, एच आता है, क्लोराइड से दिमाग में CL। हमने इन दोनों के सिंबल्स लिख लिए हैं, हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव है और क्लोराइड के ऊपर 1, तो दोनों का 1-1 है। हाइड्रोजन को क्लोरीन वाला नंबर देना है, क्लोरीन को दिस विल बी एच के पैर में 1, सीएल के पैर में 1, और जब 1-1 होता है फिर हम नहीं शो करते हैं, यू कैन सिंपली राइट इट डाउन एज HCl। इज दैट क्लियर, डिराइव द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड सल्फाइड, सॉरी। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज
Valency of sulfide is when we are doing the crisscross. तो हाइड्रोजन के पैर में डालना है, ऐसे नहीं लिखना है. ओके, जहां पर हाइड्रोजन खत्म हो रहा है वहीं पे आपने ऐसे टू लगाना है. और साथ में क्या आएगा, कैपिटल में लिखना है सारा. जहां पर स्मॉल आएगा वहां पर स्मॉल लिखना है. No test for tomorrow. Physics का है. इस वीक आपके टेस्ट नहीं है, आई गेस. साइंस का टेस्ट नहीं. अच्छा, बायो का पहले नहीं हुआ. चलो, डिराइव द फॉर्मूला फॉर वाटर इन द सेम वे. देखो वाटर का फॉर्मूला क्या बनता है. और जो ज्यादा बोल रहे हैं वो ब्लैक बोर्ड पे आएंगे. वाटर हेवन, तूने ब्लैक बोर्ड पे आना है. बना लिया फॉर्म फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है. कार्बन की वैलेंसी Yes.
हाँ तो क्योंकि इन दोनों में से टू कॉमन आ सकता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन। एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड दोनों के सिंबल्स लिखो और वैलेंसीज लिखो। नेक्स्ट राइट डाउन। कार्बन टेट्राक्लोराइड। पहले आप अपनी आवाज बंद करो तभी मेरी आवाज सुनेगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक कार्बन है और दूसरा एलिमेंट्स बोलो। एक कार्बन है और दूसरा कौन सा है? क्लोरीन। आपने ये वर्ड जो है वो नहीं देखना, जस्ट इग्नोर दिस वर्ड। बाई ट्राई टेट्रा, इनका मतलब क्या होता है? बाई मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री, टेट्रा मतलब फोर। तो ये नंबर्स हैं, ये हमने नहीं देखने हैं। वी विल बी इग्नोरिंग दीज नंबर्स। ठीक है, सिंपली एलिमेंट्स देखो अपने। एक कार्बन लगा हुआ है और दूसरा कौन सा है? क्लोराइड। देख लिया, कार्बन की वैलेंसी क्लोरीन की ऑलरेडी आ गया फोर, तो ये उसी फोर की बात कर रहे हैं। ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस फोर, इसीलिए कार्बन, फिर पहले फोर लिखा गया टेट्रा, फिर क्लोरीन लिखा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। टू ऑक्साइड इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की टू। सिंबल Mg, क्लियर? ये कोई लॉजिक नहीं है, ये बिना हिस्ट्री के है। ठीक है, हो गया, आगे लिखो। मैं भी सर इसका भविष्य कर रहा हूँ।
जहां पर आपके कॉमन बन रहे हैं आपने काटने हैं, जहां पर कॉमन नहीं बन रहे हैं हम नहीं काट रहे हैं। लाइक आपने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं AlCl3, वहां पर एक वन है और एक थ्री है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो हम नहीं काट रहे हैं। अगर कॉमन है तो आपने उसका एक जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकाल देना है। हिस्ट्री आप पूछ रहे हो, देखो जब आपके इवन नंबर्स आ जाते हैं तो डैट मींस उतने ही आपके एटम्स बढ़ रहे हैं। एक सिंगल फॉर्मूला में हमें जो है वो 1 मोल ऑफ कंपाउंड्स चाहिए होते हैं। जैसे आप कार्बन का फॉर्मूला लिख रहे हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है, अदरवाइज व्हाट यू आर राइटिंग C2O4, यही लिख रहे हो ना। अब C2O4 में डैट मींस कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड और C2O4 को कंपेयर करूं तो उसमें अगर मैं एक कंपाउंड ले रही हूँ, इसमें मेरे डबल कंपाउंड्स चल रहे हैं, और केमिकल फॉर्मूला में सिर्फ एक सिंगल का लिखती हूँ, समझ रहे हो। वहां पे एक कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन हो चुके हैं। द फॉर्मूला इज CO2, वो एक्चुअली स्टडी से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। जो उन्होंने लास्ट टाइम स्टडीज की होती है उससे ये प्रूव हो जाता है कि फॉर्मूला एक्चुअल क्या है। तो ये उसके डबल निकल रहा है तो इसलिए हम उसका एक जो है वो रिमूव करके आपको बताते हैं, ठीक है। आपने जाना है कहीं पे, चले जाओ बेटा। नेक्स्ट राइट डाउन, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट और ध्रुव आके लिखेगा फॉर्मूला। किससे पूछ के वापस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फॉर्मूला लिख। ओके, सी हियर सोडियम इज कार्बोनेट इज अभी कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट बताए हैं। Na के ऊपर कौन सा चार्ज है? सोडियम कार्बोनेट बोला मैंने, कार्बोनेट। आपने ऑक्साइड क्यों लिखा है? ऑक्साइड ऑक्सीजन। आपने 1 क्यों लिखा है वहां पे? 2 आएगा। मैग्नीशियम इज 2, ऑक्सीजन इज 2, तो यहाँ पे कॉमन लेके MgO है।